आज के समय में लगभग लोग ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं। देश डिजिटल इंडिया बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों व्हाट्सएप पे का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इससे पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए कि पेमेंट से संबंधित कोई शिकायत आती है तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इससे पेमेंट करना कितना सुरक्षित है, और साथ ही ये भी जान लीजिए कि कैसे अपना अकाउंट इस ऐप में क्रिएट किया जा सकता है। यूपीआई पेमेंट के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे और अन्य बैंकों के अपने पेमेंट ऐप बाजार में उपलब्ध हैं। अगर आप इन ऐप से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और कोई समस्या आ जाती है तो आप उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुछ समय में आपकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। अगर आप व्हाट्सएप पे के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका पेमेंट अकाउंट से डेबिट हो जाता है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता तो आपके इस समस्या की शिकायत के लिए कस्टमर केयर की सहायता व्हाट्सएप द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आप इसके लिए अपने संबंधित बैंक से बात करेंगे। ऐसे में आप किसी फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। किसी ने कोई लिंक भेज दिया, आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको सावधानी के साथ ऐप यूज करना होगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि आपका व्हाट्सएप नंबर वही होना चाहिए जो आपके बैंक खाते से लिंक है। यानी जरूरी है कि जो नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा है उसी नंबर से आप अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। अगर आपका नंबर अलग होगा तो व्हाट्सएप उसे वेरीफाई नहीं करेगा और आपका व्हाट्सएप पे फीचर सेट नहीं हो पाएगा। दिसंबर 2020 की शुरुआत में व्हाट्सएप ने भुगतान की सुविधा शुरू की। इस फीचर के जरिए उपयोगकर्ता ऐप से अन्य उपयोगकर्ताओं को पैसे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ने इसे व्हाट्सएप पे नाम दिया है। व्हाट्सएप के अनुसार यह पेमेंट का एक सुरक्षित तरीका है और इससे पैसे भेजना एक मैसेज भेजने जितना ही आसान है। व्हाट्सएप पे एक यूपीआई आधारित व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस है। भारत में फरवरी 2020 से इसकी टेस्टिंग की जा रही थी और फिर 6 दिसंबर 2020 से इस फीचर को लाइव कर दिया गया था। इसमें आप अपने यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर व्हाट्सएप से ही भुगतान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप इंडिया टीवी के Instagram, Facebook और Twitter पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।